Hi guys and welcome to the Coding Ninjas YouTube channel. I'm Sahil Saluja and in this video we'll be talking about 5 interesting project ideas that you guys should implement. तो इस वीडियो में हम पूरे बात करने वाले हैं कि हमें प्रोजेक्ट्स क्यों इम्प्लीमेंट करने चाहिए, प्रोजेक्ट्स क्या फ़ायदा कराते हैं हमारा और क्या प्रोजेक्ट आइडियाज़ हम ले सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ बिगिनर प्रोजेक्ट्स और कुछ एडवांस प्रोजेक्ट्स, हम सब बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन हमें आंसर ये करना चाहिए कि यार प्रोजेक्ट्स क्यों बनाने हैं, क्या ज़रूरत है प्रोजेक्ट्स की। तो इसका सीधा आंसर ये है कि हमारे रेज्यूमे को ये होलिस्टिक बनाते हैं, हमारे रेज्यूमे को बिल्ड करते हैं प्रोजेक्ट्स। कैसे? अब लेट सपोज मैंने अपना एक रेज्यूमे बना रखा है, उसके अंदर मैंने लिख रखा कि मुझे ये स्किल्स हैं, ये लैंग्वेजेस आती हैं, मेरे को C++ जावा आता है और मेरे को फ्रंट एंड के अंदर HTML CSS JavaScript आता है, मेरे को बैक एंड में Node.js आता है, मेरे को React भी आता है, एक फ्रंट एंड लाइब्रेरी आती है और फ्रेमवर्क, और मेरे को मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। मैंने एक चीज़ लिख सकी है, लेकिन अब इंटरव्यूअर को विश्वास कैसे होगा, उसको कैसे भरोसा होगा हम पे कि इसको ये सही में आता है, लिखने को तो कोई भी लिख सकता है। उसके लिए हम डालते हैं अपने रेज्यूमे के अंदर प्रोजेक्ट्स। लेट सपोज अब मैंने एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बना रखा है, इन सब चीज़ों को यूज़ करके मैंने मान लेते हैं फुल स्टैक का एक प्रोजेक्ट बना रखा है, मैंने सब यूज़ किया, मैंने फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स यूज़ किया, मैंने बैक एंड चीज़ें यूज़ करी है और मैंने प्रोजेक्ट बना के लिखा हुआ है अपने रेज्यूमे के अंदर और उसका मैंने लिंक भी डाल दिया अपने रेज्यूमे के अंदर। अब क्या है, इस लिंक को खोल कर वो रेज्यूमे जो बंदा मेरा रिव्यू कर रहा है वो चेक कर सकता है एक्चुअली कि हाँ यार इसने ये अप्लाई करा हुआ है, इसको इस चीज़ की नॉलेज है। ठीक है, तो तुमने अब अपना प्रोजेक्ट बना के अगर डाला हुआ रेज्यूमे के अंदर तो तुम्हारे को उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, दैट माइट बी योर एज ओवर समवन जिसने ये नहीं किया हो। ठीक है, तो हमको एक प्रोजेक्ट बनाना है, एक वर्किंग प्रोजेक्ट बनाना है, लाइव प्रोजेक्ट बनाना है, जो वर्किंग है उसको हमने होस्ट कर रखा है कहीं पे भी, Heroku, AWS कहीं पे भी हमने होस्ट किया हुआ है, GitHub पे डाला हुआ है एटलीस्ट, और उसका लिंक जो है हमको अपने रेज्यूमे के अंदर डालना है। इससे क्या होगा, ऑफ कैंपस हम कभी भी कहीं भी अप्लाई करते हैं तो सबसे पहला प्रोसेस तो यही होता है रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग का, तो रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग में तो हम कम से कम बाहर ना हो जाए, उसके लिए हमको अपना रेज्यूमे बहुत अच्छा बना के रखना चाहिए और इसलिए उसके अंदर प्रोजेक्ट्स डालना मस्ट है। ये चीज़ क्लियर है तो शुरू करते हैं। तुमको 5 आइडियाज़ जो मैं देने वाला हूँ, जो प्रोजेक्ट्स तुम बना सकते हो और बाद में अपने रेज्यूमे में डाल सकते हो, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला प्रोजेक्ट का जो आइडिया है उसका नाम है लीव मैनेजमेंट बोर्ड। क्या है ये, क्या होता है लीव मैनेजमेंट बोर्ड? तो हम बेसिकली एक बोर्ड बनाना चाहते हैं जो हमारे लिए लीव मैनेजमेंट का काम करेगा। कैसे? कोई भी API यूज़ कर सकते हो, स्लैक API या फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की API। क्या है कि आजकल कंपनीज स्लैक और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज करती हैं अपनी इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए, है ना? तो लेट सपोज एक एम्प्लॉय को अपने मैनेजर को लीव की रिक्वेस्ट आ रही है, तो वो या तो उसको मेल लिख सकता है अलग से या फिर वो स्लैक पे उसे मैसेज कर सकता है कि प्लीज़ मेरे को लीव दे दीजिए कि ये टाइम ड्यूरेशन के लिए। उससे बढ़िया क्या करते हैं, एक लीव मैनेजमेंट बोर्ड बना रहे हैं। उस बोर्ड का क्या काम है, जैसे मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैं उस बोर्ड के फंक्शनैलिटी को यूज़ करके मैं जस्ट एक सिंपल मैसेज टाइप करूँगा, अप्लाई फॉर लीव इस तारीख से लेके इस तारीख तक, और मैं उसको दे सकता हूँ अपना रीज़न कि मुझे लीव क्यों चाहिए। जैसे ही मैंने ये चीज़ डाली, ये बॉट जो मेरा मैनेजर है, जो उस एम्प्लॉय का मैनेजर है, उसके UI के ऊपर एक पॉपअप देगा, उसके UI पे आएगा कि यार ये एम्प्लॉय को इस तारीख से लीव चाहिए, आप एक्सेप्ट कर सकते हो उसकी लीव को अगर आपको करना है, नहीं करना तो आप रिजेक्ट कर सकते हो, नीचे एक मैसेज लिख सकते हो कि यार मेरे को इस वजह से नहीं लेना। ठीक है, एक फंक्शनैलिटी आप ये डाल सकते हो। इसमें एक और फंक्शनैलिटी डाल सकती है कि हम अपनी लीव्स को रिव्यू कर सकें, हम देख सकें कि अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरी लीव्स कब तक कैलेंडर में आ जाए कि मेरी इस दिन तक लीव है और इस तारीख से शुरू हो रही है, तो वो सारी चीज़ें भी वो बॉट हमको दिखा सकता है कि कौन सा एम्प्लॉय कब तक अवेलेबल होगा, वो मैनेजर हमको दिखा सकता है। तो ये सारी फंक्शनैलिटीज ऐड करके आप अब एक लीव मैनेजमेंट बोर्ड बना सकते हो, और ये लीव मैनेजमेंट बोर्ड स्लैक API यूज करके स्लैक पे वर्क कर सकता है और माइक्रोसॉफ्ट API यूज करके माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर भी वर्क कर सकता है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको लग सकता है रिएक्ट यूज होगा इसके अंदर, जावास्क्रिप्ट यूज हो सकती है और दूसरे लैंग्वेजेस यूज करके भी बना सकते हो, पाइथन से भी बोर्ड बन जाते हैं। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट आइडिया तो हमारा हो गया ये। तो सेकंड प्रोजेक्ट हमारा जो हो सकता है वो है कोई भी प्रोजेक्ट जिसके अंदर क्रिप्टोग्राफी इन्वॉल्व हो रही है।
तो क्रिप्टोग्राफी के ऊपर ज़्यादातर लोग प्रोजेक्ट नहीं बनाते और ना ज़्यादा प्रोजेक्ट बने हुए हैं। तो अगर तुम बनाते हो इसके ऊपर प्रोजेक्ट, तो तुम्हारा डिफरेंशिएशन हो सकता है क्रिप्टोग्राफी के ऊपर एक प्रोजेक्ट। तो हमें अपने रिज्यूम के अंदर एक क्रिप्टोग्राफी वाला प्रोजेक्ट भी डाल सकते हैं। अब क्रिप्टोग्राफी होती क्या है एक्चुअली? तो क्रिप्टोग्राफी अगर तुमने नहीं पढ़ी हुई तो साइबर सिक्योरिटी करके एक सब्जेक्ट आता है, उसमें पढ़ोगे। अगर नहीं पढ़ी हुई तो मैं बता देता हूँ, क्रिप्टोग्राफी इज बेसिकली ए टेक्निक जिसके अंदर हम इंक्रिप्शन कर रहे होते हैं। लेट सपोज एक सेंडर को कुछ मैसेज भेजना है, कुछ कॉन्फिडेंशियल मैसेज है वो भेजना है एक दूसरे बंदे को, ठीक है। अगर वो उसको इंटरनेट के ऊपर ऐसे ही भेज देगा बिना कुछ करे, तो क्या प्रॉब्लम है उसके साथ? या कोई भी इंटरसेप्ट कर सकता है, क्या पता कोई अटैक हो जाए, वो इंटरसेप्ट हो जाए मैसेज, तो वो सेफ नहीं है। इसलिए क्रिप्टोग्राफी इन्वॉल्व होती है इसके अंदर। क्रिप्टोग्राफी के जरिए हम क्या करते हैं, हम इनक्रिप्ट कर सकते हैं। हम एक की लेंगे, उससे अपने मैसेज को इनक्रिप्ट करके एक साइफर टेक्स्ट के अंदर बना सकते हैं। अब वो साइफर टेक्स्ट जो है हम इंटरनेट के ऊपर सेंड कर सकते हैं दूसरे बंदे को जिसको हमें भेजना था। जब उसे मिल गया तो वो वही की यूज करके, अगर सिमेट्री की से कॉन्सेप्ट था तो उस की को यूज करके वो उसको डिक्रिप्ट कर सकता है। अगर एसिमेट्रिक कीज हो तो दो कीज होती हैं, वो अलग बात है, वो क्रिप्टोग्राफी पढ़ोगे तुम्हें समझ आएगा। तो बेसिकली ये है कि हम इनक्रिप्ट करते हैं मैसेज ताकि कोई बीच में ना देख सके इंटरनेट के अंदर उसको, और सिर्फ जिस बंदे को हम भेजना चाहते थे वही उसको डिक्रिप्ट करके पढ़ सके, ठीक है। तो क्रिप्टोग्राफी एक्चुअल में ये होती है। अब इसको यूज करके तुम क्या प्रोजेक्ट बना सकते हो? तुम एक बना सकते हो बेसिकली एक कम्युनिकेशन ऐप बना सकते हो, एक कम्युनिकेशन वेब ऐप बना सकते हो जिसके अंदर सारे मैसेजेस जो तुम भेजने वाले हो वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होंगे। एक तुम ये प्रोजेक्ट बना सकते हो क्रिप्टोग्राफी यूज करके। दूसरा प्रोजेक्ट जो इसके ऊपर बन सकता है वो हो सकता है कि तुम कोई मीडिया फाइल भेज रहे हो, कोई लार्ज मीडिया फाइल भेज रहे हो, वो भी सारी ऐसी ही चल रही है, वो सारी इनक्रिप्ट होकर जा रही है आगे, तो एक ये बन सकता है। और एक प्रोजेक्ट इसमें बन सकता है पासवर्ड जनरेटर। तो पासवर्ड जनरेटर क्या है? अब कि लेट सपोज किसी बंदे को एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड लगाना है किसी वेबसाइट के ऊपर, अब वो सोच नहीं सकता क्या पासवर्ड उसे लगाना है, तो क्या करेगा, एक इजी सा पासवर्ड देगा, अपना नंबर देगा या फिर अपना नाम देगा, कुछ देगा, वो लिखेगा उसके अंदर। पासवर्ड जनरेटर क्या करेगा, उसको इनक्रिप्ट करके उसको एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड जो है वो निकाल के देगा उसके लिए, कि यार ये लगा लो इस वेबसाइट पे जो कोई बंदा क्रैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वो इस पासवर्ड को यूज करके अपनी उस वेबसाइट के ऊपर जा सकता है और वो डाल सकता है। तो अब मैंने तुम लोगों को तीन आइडियाज दे दिए क्रिप्टोग्राफी को यूज करके तुम कौन से प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो ये प्रोजेक्ट तुम बना सकते हो, अपने रिज्यूमे में डाल सकते हो, काफी फायदा होगा, इम्पैक्ट काफी पड़ेगा इससे। तुम अगर बताओगे कि यार ये एल्गोरिथम मैंने यूज करके ये प्रोजेक्ट बनाया है, और बाद में इंटरव्यू को तुम अपनी एल्गोरिथम एक्सप्लेन भी कर सकते हो कभी किसी इंटरव्यू के अंदर, यार ये एल्गोरिथम यूज करके मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था, तो इससे काफी फायदा हो सकता है। तो थर्ड हम एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं जिसके अंदर हम NLP का यूज कर रहे हो, मशीन लर्निंग का एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। NLP क्या होती है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। तो इसके अंदर हम एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं जिसके अंदर हम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन डिटेक्शन कर रहे हो। तो जैसे कि ये ऑनलाइन आंसरिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, क्वेश्चन आंसरिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कोरा हो गया, स्टैक ओवरफ्लो हो गया, ये सब आपने यूज करे होंगे। इसके ऊपर क्या होता है कि एक यूजर अपना क्वेश्चन डालता है और फिर यूजर्स ही उनको आंसर करते हैं, ठीक है। लेकिन इससे क्या प्रॉब्लम होती है, ये ना काफी अनस्ट्रक्चर्ड हो जाता है। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन मल्टीपल यूजर्स डिफरेंट तरीके से पूछ पूछ के उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर डाल देते हैं, और फिर जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो आंसर करते हैं इनको, वो उनको अलग अलग थ्रेड्स में आंसर कर रहे होते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे किसी और यूजर को भी सेम डाउट आएगा, वो उसको खोल के देखेगा तो उसको सेम और अच्छा आंसर एक थ्रेड में नहीं मिलेगा, उसको डिफरेंट मल्टीपल थ्रेड्स के ऊपर जाना पड़ेगा उसी आंसर को ढूंढने के लिए। इससे बढ़िया हम क्या कर सकते हैं, हम अपने सारे थ्रेड्स को कंबाइन कर देते हैं। हम पहले तो मशीन लर्निंग के थ्रू आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कौन से सारे मल्टीपल क्वेश्चंस जो हैं वो सिमिलर हैं। जब हमको पता चल जाता है कि यार ये क्वेश्चन एक्चुअली में दोनों सेम ही हैं, इन दोनों थ्रेड्स को कंबाइन कर देना चाहिए, उससे क्या होगा कि हमें एक थ्रेड मिलेगा जिसके अंदर सारे आंसर्स होंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के, तो यूजर एक्सपीरियंस जो है वो बेटर हो रहा है इससे। यूजर को एक ही थ्रेड पर जाना है और उसको वहां पर उसके सारे आंसर्स मिल जाएंगे जो कि उस क्वेश्चन के लिए लोगों ने करे हुए, ठीक है। तो अब ये चीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, NLP को यूज कर सकते हैं, और उसके बाद NLP जब हम यूज कर लेते हैं, NLP पाइपलाइन के अंदर ये सारे क्वेश्चंस को डालते हैं, उसके बाद हम अपने डिफरेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, रैंडम फॉरेस्ट, KNN और डीप लर्निंग मॉडल्स भी बना सकते हैं, LSTM मॉडल्स,
इन सबको ट्रेन करके अपनी एक एक्यूरेसी निकाल सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि यार कौन से क्वेश्चन सिमिलर हैं और कितने अच्छे से हमारा मॉडल ये आइडेंटिफाई कर पाता है कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन आपस में सिमिलर हैं या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए तुमको डेटा सेट मिल सकता है, केगल पे मिल सकता है डेटा सेट, और एक रेडिट का भी डेटा सेट है जिसके अंदर आपको डिफरेंट क्वेश्चन पेयर्स मिल जाएंगे। उस डेटा सेट के अंदर आपको डिफरेंट क्वेश्चंस दिए होंगे कि ये क्वेश्चन और क्वेश्चन वन और क्वेश्चन टू, और आपको दिए दे रखा होगा कि ये आपस में डुप्लीकेट हैं या नहीं है। अब इस डेटा सेट के ऊपर तुम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज कर सकते हो। सबसे पहले उसकी टोकनाइजेशन करोगे, स्टॉप वर्ड्स हटाओगे, स्टेमिंग करोगे, लिमिटाइजेशन करोगे। उसके बाद जो तुम्हारा बनता है, बैग ऑफ वर्ड्स बनते हैं, जो तुम्हारा डेटा प्रोसेस होकर निकलता है, उसके ऊपर तुम अपने मॉडल्स को ट्रेन करोगे। डिफरेंट मॉडल्स को ट्रेन करके उसकी एक्यूरेसी जितना बढ़ा सकते हो वो बढ़ाने की कोशिश करो। तो उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बन सकता है जिसके अंदर तुमने 3 से 4 या 5 मशीन लर्निंग मॉडल्स तुमने बनाए हुए हैं और उनकी एक्यूरेसी तुम आपस में कंपेयर करते हो। ठीक है, तो ये एक तुम्हारा मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट हो सकता है। बाकी NLP के ऊपर और भी प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा यूजुअली लोग ट्विटर सेंटीमेंट एनालिसिस बनाते हैं, वो भी NLP का एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये NLP का एक प्रोजेक्ट है, उसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन है, एक प्रोजेक्ट ये बन सकता है। तो फोर्थ प्रोजेक्ट जो हम बनाने वाले हैं अपना, वो होगा कंप्यूटर विजन के ऊपर। तो कंप्यूटर विजन को यूज करके हम एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं जिसका नाम है कार्बनाइजन इमेज। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है कि हम इसको अपनी एक नॉर्मल फोटो देते हैं, किसी भी फॉर्मेट के अंदर हम फोटो दे सकते हैं इसको, हम JPEG दे सकते हैं या फिर कोई भी इमेज में फॉर्मेट में हम अपनी इमेज देंगे। फिर मशीन लर्निंग यूज करके हमको इस इमेज को कन्वर्ट करना है एक कार्बनाइज्ड फॉर्म, एक कार्टूनाइज्ड फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट करना है हमको। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर OpenCV, ये एक कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी है, ये हैवीली यूज होती है। इसके अंदर हमारे काफ़ी स्टेप्स रहेंगे, जैसे कि सबसे पहले हमको सारी मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना है, हमको जो फोटोज़ हैं उनको इंपोर्ट करना है, उसके बाद फोटोज़ को ग्रे स्केल के अंदर कन्वर्ट करना है, ग्रे स्केल कन्वर्ट करने के बाद उनकी एजेस की मैपिंग करनी रहेगी, उनके उसके बाद हम एंड में हम अपनी फोटो को कार्बनाइज कर पाएंगे। तो वो काफ़ी स्टेप्स होंगे जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे थ्रू आउट दिस प्रोजेक्ट। तो दिस इज क्लियरली एन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर विजन। ये प्रोजेक्ट आप बना सकते हो, नहीं तो कंप्यूटर विजन की एप्लीकेशन में और भी प्रोजेक्ट आ जाते हैं हमारे मशीन लर्निंग के अंदर, जैसे कि फेस डिटेक्शन के सारे प्रोजेक्ट्स हो गए, ड्राउजी ड्राइवर डिटेक्शन के प्रोजेक्ट्स हो गए। तो कंप्यूटर विजन के अब मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल्स दे दिए, ये प्रोजेक्ट भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और लास्ट आइडिया हमारे प्रोजेक्ट के लिए होगा कि हम किसी वेबसाइट का क्लोन बनाते हैं। तो इसके अंदर हम जैसे फेसबुक का क्लोन बना सकते हैं, जैसे अगर आप कोडिंग निंजास का ही कोर्स लेते हैं वेब डेवलपमेंट का, तो उसके अंदर हमने पूरा एंड टू एंड फेसबुक जैसा एक सोशल मीडिया वेबसाइट बनाया हुआ है। उसके अंदर हमने सारी फंक्शनैलिटीज ऐड करी है कि एक यूज़र की ऑथराइजेशन हो रही है, ऑथेंटिकेशन हो रही है, वो यूज़र हमारे डेटाबेस के अंदर उसका पासवर्ड और सब सारा डेटा स्टोर हो रहा है। उसके बाद उस यूज़र को सारी फंक्शनैलिटीज़ हम देते हैं, उसको पोस्ट करने की इजाज़त है, उसको कमेंट करने का है, तो अपने फ्रेंड्स लाइक्स और ये सारी फंक्शनैलिटीज़ भी हमने उसके अंदर ऐड करी है। ठीक है, तो एक ये प्रोजेक्ट भी हम बना सकते हैं जिसके अंदर हमने कोई भी पॉपुलर वेबसाइट हो गई, फेसबुक हो गई, ऊबर हो गई, इन सारी वेबसाइट्स का हमने एक क्लोन बना लिया जिसको हमने पूरा एंड टू एंड बना रखा है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर जो फंक्शनैलिटीज वेबसाइट पे थी हमने वो तो ऐड कर ही दी, उसके अलावा हम और फंक्शनैलिटीज डाल सकते हैं इसके अंदर अपने तरफ। तो इससे क्या होगा कि हमने वो फंक्शनैलिटीज जो ऑलरेडी वेबसाइट के ऊपर है वो तो अचीव करी ही, उसके बाद हमने कुछ यूनिक चीज़ें भी डाली जो कि हम अपने रेज्यूमे के अंदर बहुत अच्छे से और क्लियरली बोल्ड में मेंशन करने वाले हैं कि यार इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर मैंने ये चीज़ डिफरेंट करी है बाकी लोगों से। ठीक है, तो वही हमारा डिफरेंशिएशन होगा बाकी लोगों से इस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, क्लोन वाले प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं करने के लिए, आप सीखते भी हो प्रोजेक्ट करके, प्लस रेज्यूमे में भी आराम से डाले जा सकते हैं। तो गाइज, जो मैंने प्रोजेक्ट आइडियाज तुम्हें बताए हैं, होपफुली तुम्हें पसंद आए और तुम इनको इम्प्लीमेंट करोगे। प्रोजेक्ट्स बना लेना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट ऑन दिस वीडियो, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द कोडिंग निंजास यूट्यूब चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय गाइज।